वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई वज़ीर शकील अहमद ख़ान के इस्तीफ़े से मुतालिक बातचीत करते हुए कहा है कि शकील ख़ान का अभी तक तहरीरी इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ है। ताहम कमेटी की सिफारिश पर इनको डी नोटिफाई करने की समरी पहले ही भिजवा चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई ने जो कमेटी बनाई इसकी रिपोर्ट कल सुबह मिली। कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी है। डी नोटिफाई करने की समरी कल सुबह भेजी थी। वाज़े रहे कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना के रुकन सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील अहमद ख़ान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर महकमे में मदाखलत और बैड गवर्नेंस के इल्ज़ामात आयद करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सूबाई वज़ीर शकील अहमद ख़ान ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने बुनियादी असूलों और वादों पर समझौता कर रही है। हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। ख़राब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी का मंशूर तबाह कर दिया है। शकील अहमद ख़ान की जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वज़ीर आला इनके महकमे में मदाखलत कर रहे थे, सूबे में करप्शन और बैड गवर्नेंस के बायस काम नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा कि सूबे में करप्शन और बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता रहूँगा।